Hey guys, good morning and welcome to our new vlog. And दोस्तों आज बहुत ज़्यादा लेट सो के उठा हूँ मैं, बिकॉज कल रात को लगभग 11-12 बज गए थे सोते, एंड इतना थकावट हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि यार ट्रेन से हम जब भी कहीं पे भी दूर ट्रैवल करके जाते हैं तो थोड़ी सी बॉडी में थकान होती है. एंड शाम को एग्जैक्टली क्या हुआ कि मैं घर पे, तो जो दीदी का घर है दिल्ली में, वहाँ पे तो लगभग मैं 12 बजे तक आ गया था, 11-12 बजे तक पहुँच गया था. लेकिन उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम शाम को थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए चले गए थे. एंड वो शॉपिंग किस लिए की है वो आपको बताऊंगा आगे. लेकिन शॉपिंग होने के बाद कैसा होता है, घर पे आए थोड़ा थकावट था तो रात को कुछ 11-12 बजे सोया, एंड मॉर्निंग में सीधा अभी उठ रहा हूँ मैं. एंड जैसा कि आप देख सकते हो यार, काफ़ी थकान है बॉडी में. तो अभी एक चीज़ है कि आपको मैंने जो शॉपिंग की है ना कल, उसका मैं कुछ कपड़े जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि कौन से कपड़े मेरे पे सूट हो रहे हैं और कौन से नहीं, ये मुझे बताना. कल शॉपिंग करने जब निकला था तो कैमरा लेना भूल गया था मैं, दैट्स वाई मैं वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं कर पाया. लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी हमारे पास कैमरा है, हमारे पास कपड़े भी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा. बने रहना हमारे साथ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि कौन से अच्छे लग रहे हैं. ठीक है, ओके गाइस, तो ये रहा इतने सारे बैग्स जो हमने कल के दिन शॉपिंग किए थे. जैसा मैंने बोला कि कल मैं कैमरा लाना भूल गया था लेके जाना, तो इसके लिए शॉपिंग करने के टाइम का व्लॉग मैं नहीं बना पाया. लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इतने सारे जो बैग्स दिख रहे हैं, ये हमने सिर्फ कल के दिन ही शॉपिंग किया है. और ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, मेरे दीदी का है, मेरे जीजू का है, एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है उनका है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम टी शर्ट्स है, वहाँ पे कुछ शर्ट्स है, और ये जितने भी आपको ये बैग्स दिख रहे हैं ब्लैक वाले, इसके अंदर ब्लेजर्स है. तो वो ब्लेजर्स जो है वो शादी के टाइम पहनने वाले हम लोग बेसिकली, जो मैंने आपको नहीं बताया था कि किसकी शादी है, आगे आपको पता चलेगा क्योंकि ये चीज़ मैं सरप्राइज़ रखने वाला हूँ. ठीक है, तो अभी इनमें से जो ब्लेज़र है जो मेरे लिए हैं वो मैं ट्राई करके दिखाने वाला हूँ, तो आप देखते रहना कंटिन्यूसली. सो गाइस, दिस इज़ ब्लेज़र नंबर 1 जो मैंने ख़रीदा है एक्चुअली. तो मुझे प्लीज़ बताना कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अभी जो नेक्स्ट पहनने वाला वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके दिखाना. एक्चुअली ये है नेवी ब्लू कलर, तो शायद आपको अच्छा दिख रहा होगा. ये अंदर शर्ट पहने जाता है, लेकिन अभी मैंने टी शर्ट ही पहना हुआ है फिलहाल में. तो जब शादी का टाइम आएगा तब पूरा सेटअप देखेंगे. लेकिन आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है, मेरे पे सूट हो रहा है कि नहीं. ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं. सो गाइस, दिस इज द सेकंड ब्लेजर जो मैंने खरीदा है. तो मुझे प्लीज़ बताना कि ये वाला भी कैसा लग रहा है. एंड एक्चुअली दो खरीदने के पीछे का रीज़न आपको पता ही है, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा भाई जो है रोहन, तो एक रोहन के लिए रहेगा, एक मेरे लिए रहेगा. लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कौन सा चूज़ करूँ, डार्क जो ब्लू था नेवी ब्लू वो वाला करूँ, कि ये जो थोड़ा चेक्स में है ये वाला करो. तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग के कमेंट के हिसाब से मैं शादी में कपड़े पहनने वाला. तो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया, मैंने दोनों ब्लेज़र को ट्राई करके देख लिया, एंड दोनों जो तो मेरे भाई के थे, एक मेरा है एक मेरे भाई का है. तो आप लोग कमेंट करके बता देना. एंड ये वीडियो में आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर वेट करवा रहा हूँ, जो कि है मेरी नीस यानी मेरी भांजी जो है, जिसका नाम है एंजल. एंजल तो एक्चुअली घर का नाम है, एक्चुअल नाम जो है पियांशी है. तो वो अपने बारे में आपको बताने वाली है. तो अभी मैं सीधा कैमरा उसके हाथ में देने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेगा, आपको भी सरप्राइज लगेगा कि कैसे एक 5 साल की लड़की इतना अच्छा बोल सकती है. से हेलो. हेलो एवरीवन, माय नेम इज पियांशी जायसवाल. आई एम गर्ल, आई एम 4 इयर्स ओल्ड. आई रीड इन फिफ्थ क्लास. माय स्कूल नेम इज सेंट सिसिलिया पब्लिक स्कूल जोडिया विक्स विकासपुरी. ओके, तो जैसा कि आपने देखा यार, मतलब एंजल है तो 5 साल की मेरी भांजी है, पर यार इतनी ब्रिलियंट है ना, और इतना अच्छा बोल लेती है कि कोई भी यार दूसरा जो 5 साल का बच्चा होता है ना, इतना नहीं बोल पाता है, ट्रस्ट मी. और शायद आप लोग के भी घर में कोई बच्चे होंगे, किड्स होंगे, तो शायद वो नहीं बोल पाते होंगे. तो आप लोग को एक और चीज़ बताऊँगा कि ये जो मेरी भांजी एंजल है ना, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है सेम मामू के जैसा. तो इसका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है लर्निंग किड्स. लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर से कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. बिकॉज इसने अपने चैनल के ऊपर जितने भी पोएम्स होते हैं, जितने भी लाइक अलग अलग टाइप के जो लिरिक्स होते हैं ना, ये सब चीज़ के ऊपर वीडियोस को डाला हुआ है, और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोग चेकआउट जरूर से कर लेना इसके चैनल को. तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है. एंड आपको अगर ये एंजल यानी मेरी भांजी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है एंजल, बाय कर दो. बाय बाय.